हेलो बच्चों, आपका फ्रेंडशिप क्लासेस में स्वागत है। इसमें हम लोग देखेंगे चित्रकला का पेपर बोर्ड नंबर 830 EU। आलेखन कला का देखेंगे हम लोग। पहले वर्ड का अर्थ क्या है। रंग ओस्टवाल्ड संबंधित है रंगों से। लाल और हरा रंग है विरोधी रंग। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है बहुवर्णीय। आगे देखेंगे हम लोग। इनमें से ये क्वेश्चन छूट रहा है, देख लीजिए पीछे। एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है संयोजन। इनमें से कौन सा रंग शीतल रंग है हरित हरा। मुख्य रंग कितने होते हैं 3। तटस्थ रंग है काला सफेद। निम्न में कौन सी लयात्मक रेखा है वक्र रेखा। आगे देखेंगे। देखो 10वां क्वेश्चन देखो। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तैल सफेद का विरोधी रंग है काला। पीला प्लस लाल कौन सा रंग बनाता है नारंगी। आगे देखेंगे। इंद्रधनुष में कितने रंग है 7। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है 2H। बनावट की दृष्टि से आलेखन के प्रकार 4। आगे देखेंगे। किनारे डिजाइन का प्रयोग किया जाता है फर्श के केंद्र बारीक रेखा बनाने के लिए किस ब्रश का प्रयोग करते हैं 2। हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है ठंडा। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है अंधेरा। एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अब हम लोग प्राविधिक कला देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जाते हैं 2। एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति का क्षेत्रफल में समान बनना। आगे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त में किसे स्पर्श करता है वक्र। निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं डी प्रिज्म। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होंगे 4। संपूरक कोण होता है 180 डिग्री। वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। वृत्त का आकार है ए ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे। 10वां क्वेश्चन सम चतुर्भुज में कितने भुजाएं होते हैं 4। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है वर्गाकार। अगर यहाँ पर घनाभ का पूछ लेता तो आयताकार होता। यहाँ पूछा क्या है घन का तो क्या होगा वर्गाकार। एक घन में कितने फलक होते हैं 6। एक साधारण पैमाने पर अधिकांश कितने आकार की माप अंकित कर सकते हैं 2। दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए किस त्रिभुज का उपयोग किया जाता है संभव। एक अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 डिग्री से कम। आगे देखेंगे। 180 डिग्री के कोण को कहते हैं सरल कोण। आगे देखेंगे। एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10 सेंटीमीटर। एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं 4। एक बेलन का एक सिरा वृत्ताकार तथा दूसरा सिरा भी वृत्ताकार ही होगा त्रिभुजाकार है आकृति बना दिया गया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे फ्रेंडशिप क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।